हेलो एवरीवन वेलकम टू टी स्टाइल ओडा तो आज मडर्न मडर्ण इंस क्वेश्चन अच्छी डिस्कशन करवा ओके तो क्लास स्टार्ट पूर्व आज पूरा जो मैंने क्लास को लाइक सेयर करें एंड जो मैंने क्लास को नुआकर भिजिट कर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो सब भिडियज आसवे तरह सब भिडज आम पाजेब जो आज पि डी एफ दरकार तो से डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डट हिस्ट्री जिके डन जा पीडीएफ को डाउनलोड करें आफ्टर क्लास ओके ठीक सो ठी क्वेश्चन हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिटी इज ब्रट आन ए टू द इंडीपेंट एक्झिस्टेन अफ द पेशवा बाजीराव टू तर पेशवा बाजीराव सहित कौ ट्रिटी होईसारापे ठीक आहे जोडा को लास्ट मी एन टू द इंडीपेंट एक्झिस्टेन अफ द पेशवा बाजीराव त्या सरीगला काम बोली ठीक अशी ट्रिटिज रे जना थांबला द ट्रिटी अफ पुर द कनभेन्स अफ वडागाव ट्रिटी अफ बस अँड ट्रिटी अफ सालबाई तो कन ट्रिटी अफ

राजारामन राय जे ए बा जेम्स अगस्ट हिकी और लर्ड व्विलम बेन्टिकल किए करते जेमस अगस्ट हिक जोटा बेंगल गैजेट बोली कहू प्रथम इंग्लीश न्यूज पेपर बेंगल गैजेट रईट केतरश अशी पब्लीश कर

मायावती मिसेस मायावती मायवती किए प्रथम वोमेन किए थे चीफ मिनिस्टर होते हैं जो जी, स्टेट उभ पचारे पर्टिकलार स्टेट किसी देनी मेनसन करनी एनी स्टेट प्रथम किए थे सुचेता कृपाणी ठीक अच्छे थी? सुचेता कृपाली प्रथम चीफ मिनिस्टर जोटी किए उत्तर प्रदेश रे नाइन्टीन सिक्सटी थ्री रू उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर प्रथम सुचेता कृपाली हू इज द अथर अफ वंदे मातरम वंदे मातरम लेखक किए महात्मा गांधी टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी और शरतचंद्र चट्टार्जी बंदे मतरम बंकिम चंद्र चटर्जी राइट बंकिम चंद्र चटर्जी हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया रो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कहा कह राजा राममोहन रॉय स्वामी दयानंद सरस्वती श्री अरविंद एंड भगत सिंह तले तह काए राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली कह टैस इज रिमेम्बर्ड एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या को बहुत भल भाई जान दादा भाई को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कह जाए वन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन इज द टीचिंग ऑफ तो ये किए कहीन का वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन इज टीचिंग ऑफ हुम राजा राममोहन रॉय छटी स्वामीकल श्री केशवन और श्री नारायण गुरु मान मान स्लोगाना कह रहा श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु द पैसेज ऑफ द राट फॉलोड हिन्डिए बाय फॉलोड बाय फलोडलीमेटरी रिफॉर्म्स खिलाफत मुवमेंट जालिया बाग मासाक्रे आंड चौरी चौरा इन्सिडे तौला टाक टा किंवा उन्सश उन्स मशीला तर काही होईल जलिया वाललाबाग हत्याकाड ठीक अशी बैशाखी पर्व होईल जालिया पर ही राऊला टाकू इन न फोर जिरो फोर द महाराज ऑफ टॅस एक्झमटेड नारायण गुरु फ्रॉम पर्सनल आपयियन्स इन कॉड एंड अनर रेकग्नइिंग द गुरु आज अ डिस्टिंग लिविंग पर्सनालिटी कौटार महाराज नारायण गुरु को पर्सनाल आपियरेन्स कॉर्ड रखी थे एंड मध्य कर अनर तले कौन महाराजा ऑफ ट्रावन को महाराजा ऑफ ट्रावन को अल आर अफ वेल्फ एटर्निटीज द डिक्टम अफ डिक्टम टू आवर्द

she narana guru guru kah chanti tik achi kete tangara kon likha ajibaj okay which one of the following leaders said that the act of 1935 provided a machine with strong brakes but no engine किए कही जो उन्नीस सौ पैंतीस जो आईनटा या मेसीन ओथ स्ट्रंग ब्रेक्स बट नो इंजन किए क जवाहरलाल नेहरू राजेन्द्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल तेल किए कवाहरलाल नेहरू कही ठीक अच्छे जवाहरलाल नेहरू कही जो उक्ट को नाइंटीन थर्टिफाइव आक्ट को हुई अफ द फलोई अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द स्ट्रंगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड महात्मा गांधी अनुजाई दुनिया सबुठे फोर्स कहले क्या नॉन भालान्स ऑफ़ द ब्रेव नन भायोलेन्स अफ दिक्क नन भालान्स अफ द्राउ कावर्ड या नॉन भोले ऑफ़ द डाउन टोडन तेल कौन कह जाए नन भोलेन्स अफ द ब्रेव सब्रंगे फोर्स फोर्स व्वेन वाज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ़ इन इंडिया प्रथम थरपाई के

अफ द फलोई ह्विच कंट्री ह्विच कंट्रीज कन्स्टिट्यूशन डीड नट इनफ्ल्एंस द फादर अफ इंडियान कन्स्टिट्यूशन फादर अफ इंडियान कन्सीट्यूशन किए बीआर आम्बेदकर रहा मतलब कौ कीर कन्स्टिट्यूशन को सी इनफ्लुएंस हो ना पचारे युएसए युएसएसआर कानाडा एंड आयरलैंड कौ युएसएसआर ओके सोविय रुष जो

त्याला कोटी लाहोर सेसन उन्शा अणतीस मशीटाकराज हिसरे आम्ही ग्रहण कर्युरी दाडी मार्च द सग रघुपती राघव राजाराम हॅजबीन सग बाय द रिनाौन म्युजिशियन का दारा एटा गाणं कर रघुपती राघव राजाराम काय गायले प्रथमथरपे दाडी मार्च टाईमे दिगंबर विष्णु पल्सकर् ओंकारनाथ ठाकूर मल्लिकार्जुन मानसुर अँड क्रिष्णा राव शंकर पंडित ता दारा गाना करायला दिगंबर विष्णु पालुस्कर पलुष्कर ओके दिगंबर विष्णू पालुष्कर द्वारा एटा गाणला रघुपति राघव राजाराम द स्वराज पार्टी वाज अर्गानज बाय स्वराज पार्टीटा का द्वारा अर्गानजा राजा ला लाला ला लजपत राय एंड फिरोज साह मेटा ಸರೋಜಿ ನಾಯಡು ಆಂಡ್ ಅನಿವೇಶನ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಆಂಡ್ ಮೋತಿಲ್ಲೆಹರು ಸೀ ರಾಜಗೋಪಾಳ ಜಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ವೈ ಚಿಂತಮಣಿ ತಾಳೆ ಕಾಹ್ವಾರ ಸಿಆರ್ ದಾಸ್ ಆಂಡ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ಂಜನ್ ದಾಸ್ ಆ ಮೋತಿಲಾಲ್ಹರು ದ್ವಾರ ಸ್ವರಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಕಣ ಅರ್ಗಾನೈಲಿಲ್ಲ ಹು ವಾಝ್ ದರ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ ದ ಕಲ್ಲ್ ಫರ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಫರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಿ ಕೈ ಸ್ವರಜ ಇಂಡಿಯಾ ಫರ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ಸ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಲೋಕಮನ್ ತಿಲಕ್ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಆಂಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗೇ ಕೇಂದ್ರ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ಲೋಗಾನೆ

कौन उ नौ आक्ट अनुसार इंट्रोड्यूस कर रहा था ह्विच अफ द फलोइंग रूलर व्ज द फर्स्ट इंडियान नेेट रूलर टू आसेप्ट द सिटम अफ सब्सीडरी एलियंस सब्सीडरी एस प्रथम किए कासेप्ट करते प्रथम किए आसेप्ट सिंधियाज अफ ग्वालियर निजाम अफ हाइदराब दलीप सिंह आड पंजाब और गईकंद अफ बरोदा तो प्रथम किए आडप्ट करते निजाम अफ हाइदराब प्रथम सब्सीडरी आरलाइन को सिस्टम को सीस्टम कोसेप्ट करते

त्याला कण चा तत्वबोधिनी सभा चा देवेंद्रनाथ टागुर द द्वारा जो स्टार्टी जो सभा तार तत्वबोधिनी सभा दाडीमाळ स्टार्टेड फ्रम डॅस इन न थर्टी कोणतं स्टार्टी साबरमती आश्रम दिल्ली दरबार हल् या वेदरन कोठ आरम होईल साबरमती आश्रम रु स्टार्ट हु वाज द अथर

बाय द ब्लड ब्लड रिवल्यूशन बाय यूजिंग आनफ्रो फोर्से बाय ब्लडलेस रिवल्यूशन और वित्त द हेल्प अफ द इंग्लीश तो कमि से आ सर्दार पटेल ब्रट अल इंडिया स्टेट इन टू कंट्रीज यूनिटी केमती आय द्ल ब्लडलेस रिवल्यूशन द्वारा ठीक है द फर्मेस अफ द सेल्फ एम्प्लयड वोमेन्स आसोसीएस सेवा

ಹು ಇಮಂಗ್ ದಲೋಯಿಂಗ್ ಭಿಜಿಟೆಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಇನ್ ಸಾಥ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಾವು ಗಾಂಧಿ ಥರ ತುಂಬ ಕಿ ಭಿಟ್ ತುಂಬಾ ಕೇ ದಾ ಇದೆ ಬಾಲಕಂದ್ರ ತಿಲಕ ವಲ್ಲಭ ಭ ಪಟೇಲ್ ಗೋಪಾಳ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅಂಡ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಿ ಥಳ ಗೋಪಾಳಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ

వికే క్రిష్ణ మెనన్ జవహర్లాల్ నెహెరు అండ్ రాజేశ్వర్ దయాల్ తల్లి కే విజయలక్ష్మీ పండిత ఓకే గాంధీ వాంటెడ్ టు రియలైజ్ ట్రూత్ థ్రో అహింసా నాన్ నన్స్ ధర్మ రిలీజన్ కర్మ సర్వీస్ ధ్యాన మెడిటేషన్ మెడిటెషన్ త్రుత్ కు హిసా మియలైజ్ ట్రుత్ థ్రో దాట్ అంసా నన్వయోలాన్స్ హిసా సెక్టా ह्व अफ द तो फलोइंग लिडर व्ज आसोसीटेड विथ होम रूल लिग ते तो होम रूल लिग सहित बालाकांदर तिलक गोपाल गोखले एम जी रानाडे और एम के गांधी तेल किए अच्छी तिलक बा तिलक होम रूल लिग सहित तो रिलेटेड एन एस सी फाउंड करोम रूल लिग ओके इन महात्मा गांधी रिजल्ट टू वेयर ओनली अ लॉ एंड क्ल टू प्रोपागेट होम स्पून कटन टू सिग्निफाई होम स्पून कटन मैंने हाथ या कटन पिंधिकी जा तार एक्जाक्टली सिग्निफाइ से कौन कमाणित कर द ट्रु पवर्टी अफ् द इंडियान पीपल टू रुई अफ इंडियाज हैंडलूम टेक्सटाइल्स हिज आइडेंटिकेशन व्विथ द इंडियान पीपल और हिज रिजल्व टू वेयर टेलर क्लथेज ओनली वेन इंडिया बिकम इंडिपेडे कौन पर पिंते टू आइडेंफाए हिज आईडेफिकेस वितथ द इंडियान पीपुल्स इंडियान पीपुल्स सत्तर आईडेफिकेशन कौन थी से सिग्निफाएं हैंड्सपुन कटन को पिंधिकी जाते ये अनस्वया सरवाई हा लेड द डेस्ट टेक्सटाईल वर्कर स्ट्राईक अनस् सरभाई अनस्या सरभाई नेवन्टीन को टेक्सटाईल वर्कर स्ट्राईक येत अहम्मदाबाद बंबे कालकाटा मालाबार कोट्राईक अहमदाबाद द डेथ ऑफ मयन्स ऑफ इंडियन इन फ्रिकुंट फॅमि फॅमि ईच विजिटेड इंडिया ड्युरी न सेंचुरी वर मेनली ड्यू टू द को कारण जो होईल ओवर शॉर्टेज ऑफ फूड अँड its improper distributions, Or commercializations of agriculture, poor purchasing power of the people due to their extreme poverty and rise in prices, Or on agriculture and fall in agriculture productions. the main reason thila poor purchasing power of the people due to their extreme poverty and rise in prices thila. हु एमंग द फलोई वाज द रियल फाउंडर अफ़ द अलीगढ़ मुसलिम यूनिभर्सीटीगढ़ मुस्लिम यूनिभरसीटर फाउंडर रियल फाउंडर किए थे सार सैयद अहमद खान थे सैयद अहमद खाँ जोटा आंग्लो इंडियन सॉरी कौन आंग्लो इंडियन स्टेट्समैन को कह जाए थे आंग्लो इंडियन स्टेट्समैन सयद सयद अहमद खान को, को ठीक है कलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडर थे द रिवल्यूसनरी लिडर हू हाड अर्गानाइज एंड आटाक अन् द आर्मोरी अफ चित्तोग चित्तोग आर्मोरी रे अर्गानाइज करते सूर्यसेन रईट सूर्यसेन हुए वाज द आजाद हिंद फौज फाउंडर्ड आजाद हिंद फौज को कौट फाउंड कर सींगापुर थायलैंड ब्रिटेन अंड इटली कौटी सिंगापुर का सुभाष चंद्र बोस लव अफ सिराज उदला अफ बेंगल व्वाज डिफिटेड बै इंग्लीश इन द बैटल अफ् प्लासी मेनली कहीं से हारी जाइए Main reason Conthila. Because the English forces were much stronger than those of the Nabab. Because the Clive's conspiracy with the Nababs commander Chef Mir Jaffer and rich bankers of Bengal. Because of Sirajudala's retirement from the battlefield. Yeah, because of the capture of a band of uh, French Frenchmen man the Nabab of service by English. The main reason, thila

नवाब नबाब हु फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेटवत गीता इन इंग्लिश भगवत गीता को किए रे ट्रांसलेट करते आलेक्जा कनिंगहाम ओवलियम जोन्स जेम्स प्रिन्स एंड विल्किंस तले किए चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता को रे ट्रांसलेट कर वाज द फेमस ऑफ नॉन नपोरेस अंडर द इंस्पिरेशंस ऑफ महात्मा गांधी

Whom had the rebel of 1857 enthroned as the emperor द एम्परियर एम्प्रिय अफ् इंडिया राणी लक्ष्मीबाई अफ झाँसी काियापे बादुर शाह जाफर या फकीर उद्दीन ठीक एनथ्रोन द एम्परियर अफ इंडिया किए थे बाहादुर शाह जाफर बाहादुर शाह

ठीक अच्छे बंकीमचंद्र चट्टी लिखित आनंद मठ द्वारा ही से नोबेल द्वारा ही इन्सपायडे फ्रीडम फाइटर्स मैं 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 मिच अफ़ द फलोईंग आक्ट गेभ रिप्रेजेटेश अफ इंडिया फर द फर्स्ट टाइम इन लेज्लेस फर्स्ट टाइम लेजिस्लेस प्रथम थरपे कोई आक्ट को पास कर रिप्रेजेंट इंडियान काउनसिल आक्ट नाइंटन जीरो नाइन इंडियान काउनसिल आक्ट नाइंटन इंडिया गवर्नमेंट अफ इंडिया नाइंटन थर्टाइव ओके डबल थर लिखाई जाए इनज तो कौन थी इंडियान काउनसिल आक्ट नाइंटीन नाइन उन्नीस नौ इंडियान एक्ट को प्रथम थरपाई लेजिस्टर में रिप्रेजे जोटाक पार्लियामेंटरी ठीक रिफर्मस आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ द असेंबली आसेम्बली हेल्ड इन नाइन जुलाई नाइंटन फर्टी सिक्स तो कन्स्ट्यूट आसेम्बली मेड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली तो प्रथम थर कट्यूट असेंबली जो न्यू दिल्ली बसला केवे बसला पचारे डिसेंबर नौ उन्नीसश छयास जानवर पंद्रह उन्नीसश फेब्रवरी दस उन्गस् पंद्रह उथम थरपाई केसेम्बर नौ उल मसह ही हम बसी एंड लास्ट सेशन के जानवर जनवरी 24 पचास द मोस्ट इम्पोर्टाट कज फर द आउटब्रेक अफ गदर रिवल्यूशन वाज मेन कौन थी आउटब्रेक हमारे गदर रिवल्यूशन हम मेन कज कमेमे अफ व्वर्ल्ड वार

एंड नेक्स्ट क्लास बाकी फिफ्टी क्वेश्चन आम नेक्स्ट देखा ठीक है सो थैंक यू गाय थैंक यू फर बिंग द क्लास तो जो मक पी एफ दरकार तो हिस्ट्री डॉट इन क्लास जा र्लास व्वेबसाइट जाइ पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे ठीक अच्छे सो थैंक यू एंड जो मैंने लाइक करना सेशन को लाइक कर ना सह जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना कर न से चेल्क सब्सक्रब्ध कराकि आगे सब अबकमिंग भिड सब आपे ओके थैंक यू